नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं डिजिटल आई। आज का इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इंडियन रेलवेज के ऊपर आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेगा, जिन सभी वीडियोस को आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल डिजिटल आई को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साइड में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे आपका आधार कार्ड को अपना IRCTC अकाउंट के साथ बिना लिंक किए महीने के 6 से ज़्यादा टिकट बुक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो का रिजोल्यूशन को मिनिमम 720p पे सेट करके वॉच कीजिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो का अंत में मैं आपको करेंट रिजर्वेशन टिकट के बारे में एक जानकारी दूंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और आज का टॉपिक के ऊपर ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं मेरा IRCTC अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूं और सबसे पहले चलिए मैं आपको मेरा इस मंथ का ट्रांजैक्शन दिखा देता हूं। आपको माय ट्रांजैक्शन के अंदर बुक टिकट हिस्ट्री मिलेगा, जहां से आपको पता चल जाएगा आप इस महीने कितना टिकट बुक किए हैं। देखिए, यह है डेट ऑफ जर्नी का कलम और उसका राइट साइड में है डेट ऑफ बुकिंग का कलम। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं मैं 6 मई को 3 टिकट बुक किया हूँ, 4 मई को 1 टिकट और 7 मई को इस पेज में आपको 1 टिकट, और ये मेरा दूसरा वाला पेज देखिए सीरियल नंबर 6, यहाँ पर मेरा 6 टिकट जो कि 7 मई को बुक किया गया है। तो इस महीने का मेरा जो 6 टिकट का कोटा है वो मैं पूरा कर चुका हूँ। तो चलिए एक टिकट बुक करके देखते हैं क्या एरर आ रहा है। तो चलिए रांची से आसनसोल के लिए एक टिकट बुकिंग करते हैं। और आप में से कोई अगर मेरा व्यूअर रांची या फिर आसनसोल से है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और चलिए डेट सिलेक्ट करते हैं 10 तारीख का और सर्च करते हैं। देखिए सर्च रिजल्ट में मुझे 5 रिजल्ट आया और ये देखिए दूसरा नंबर पे है रांची जयनगर एक्सप्रेस। तो चलिए इस पर स्लीपर क्लास पे एक टिकट बुक करते हैं। देखिए अभी मुझे ये करंट अवेलेबल दिखा रहा है। अगर आपको करंट अवेलेबल क्या है ये जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके ऊपर जल्द ही एक वीडियो आने वाला है। देखिए यहाँ पर एरर आ गया, योर लिमिट फॉर 6 ट्रांजेक्शन इन ए मंथ इज एग्जॉस्टेड, यू कैन अवेल बुकिंग फैसिलिटी अप टू 12 टिकट्स इन ए मंथ बाय लिंकिंग योर आधार इन IRCTC वेबसाइट। हमें तो आधार कार्ड लिंक नहीं करना है, तो क्या कर सकते हैं, देखिए आप बुक टिकट हिस्ट्री में जाइए और आपने जो इस महीने जो 6 टिकट बुक किया है उसमें से अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट जर्नी नहीं है उसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपको ये महीने का फिर से 6 टिकट आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा रांची से आसनसोल का टिकट था, डेट ऑफ जर्नी 10 मतलब आज का ही था, तो इसको मैं कैंसिल किया और यहाँ पर देख सकते हैं करंट स्टेटस मेरा RAC है, तो इसको चलिए मैं सिलेक्ट करके कैंसिल कर देता हूँ और इसको कंफर्म कर देता हूँ ओके। और देखिए ये टिकट मेरा कैंसिल हो गया और करंट स्टेटस मेरा हो गया कैंसिल। तो चलिए इसको क्लोज कर देते हैं और फिर से एक टिकट बुक करते हैं। तो फिर से चलिए उसी ट्रेन में बुक करते हैं रांची से आसनसोल के लिए। रांची से आसनसोल सिलेक्ट कर लिया और डेट आज का फिर से डाल देता हूँ 10 तारीख और सर्च करते हैं। और देखिए ये मेरा ट्रेन नंबर जो है रांची जयनगर एक्सप्रेस 2 नंबर पे जो ऑप्शन है, फिर से मैं स्लीपर क्लास पे बुक करता हूँ और करंट अवेलेबल पे क्लिक किया। देखिए अभी कोई एरर नहीं आया, ये मुझे सीधा डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पेज पे ले गया, जहाँ पर चलिए मैं मेरा एक दोस्त का डिटेल्स भर देता हूँ और टिकट हम लोग बुक करते हैं, देखते हैं कितना दूर तक हम लोग प्रोसीड कर पाते हैं। मैं सारा डिटेल्स जल्दी भर देता हूँ।
सिलेक्ट हो गया और यहाँ देखिए एक ऑप्शन है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। आपको अगर इसके बारे में भी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके ऊपर ही जल्द ही एक वीडियो आने वाला है। और यहाँ पर मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जिस पे आपको SMS चाहिए, और यहाँ पर नंबर मैंने डाल दिया और यहाँ कैप्चा पे पेटीएम मॉल के ऊपर क्लिक करना है। इसको क्लिक किया, नेक्स्ट किया तो ये मेरा कंफर्मेशन का पेज आ गया और मुझे देख सकते हैं यहाँ पर ₹155 पे करना है टिकट बुक करने के लिए। और चलिए मैं पेटीएम वॉलेट ऑप्शन चूज करता हूँ और एक टिकट इसको पेमेंट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एप्लीकेबल टैक्सेस लगेगा और मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जल्दी से चलिए मैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके आपसे मिलता हूँ। देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है और मेरा टिकट भी रिजर्वेशन हो गया है। यहाँ पर PNR नंबर मिल गया, स्टेटस कन्फर्म दिखा रहा है और सीट नंबर भी दे दिया गया है। तो ये तो बुक हो गया, तो चलिए फिर से अभी और एक बार बुक करते हैं क्योंकि मेरा पहले 6 टिकट था, 6 में से मैं एक कैंसिल कर दिया तो 5 हो गया, तो मैंने अभी फिर से बुक कर दिया तो मेरा इस मंथ का फिर से 6 कोटा पूरा हो चुका है। तो चलिए फिर से बुकिंग करने का कोशिश करते हैं, क्या एरर आ रहा है ये देखते हैं। मैं रांची से आसनसोल के लिए बुक कर रहा हूँ। अगर मेरे कोई भाई और बहन रांची या फिर आसनसोल से ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चलिए इस ट्रेन फिर से बुकिंग करते हैं। देखिए पहले 15 था, मैं एक बुक कर लिया हूँ उसलिए 14 दिखा रहा है अभी अवेलेबल। और देखिए फिर से वो सेम एरर आ गया, योर लिमिट फॉर 6 ट्रांजेक्शन इन ए मंथ इज एग्जॉस्टेड, यू कैन अवेल द बुकिंग फैसिलिटी अप टू 12 टिकट्स इन ए मंथ बाय लिंकिंग योर आधार कार्ड इन IRCTC वेबसाइट। जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था, वीडियो का अंत में मैं आप सभी के साथ करंट रिजर्वेशन के बारे में एक जानकारी शेयर करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं वो जानकारी क्या था। देखिए यहाँ सीरियल नंबर 5 के ऊपर ध्यान दीजिए, रांची से आसनसोल के लिए मैंने अभी करंट रिजर्वेशन में जो टिकट बुक किया यहाँ पर आप डेट ऑफ बुकिंग देख सकते हैं। अगर आप करंट रिजर्वेशन में कोई टिकट बुक करते हैं और उसको कैंसिल करते हैं तो क्या होगा उसको जान लेते हैं। तो चलिए मैं इस टिकट को यहाँ से सिलेक्ट करके प्रोसीड करता हूँ और देखिए यहाँ पर एरर आ गया, कैंसिलेशन इज़ नॉट अलाउड फॉर करेंट बुकिंग PNRs। अगर आप करंट रिजर्वेशन में कोई टिकट बुक करते हैं तो वो टिकट आपका कैंसिल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपका ट्रेन 3 घंटा से ज़्यादा डिले है तब आप TDR फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं और फ्यूचर में इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।